हाउ टू फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। एक नंबर है, उसके आपने फैक्टर्स बना लिए, उन सब का सम कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60। सबसे पहले आप 60 के फैक्टर्स बना लीजिए। ये आपके पास आया 2 raised to power 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to power 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to power 1। नाउ सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 2 power 2। इसमें आप क्या करेंगे, 2 पावर 2 है ना, तो 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2। आपने ये लिख दिया, ये यहां पर था 2 पावर 2, तो आपका लास्ट आएगा 2 पावर 2। शुरू आप करोगे 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 से। तो 2 पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, किसी भी नंबर का पावर 0 है तो आंसर आएगा 1। 2 पावर 1 क्या होगा, 2 पावर 1 2 होता है। फिर 2 पावर 2 क्या होगा, वो 4 होता है। तो आपने 1 प्लस 2 प्लस 4 करना है। अगला फैक्टर आपने बनाया 3 पावर 1, तो 3 पावर 1 को हम लिखेंगे 3 पावर 0 और 3 पावर 1। 3 पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसमें आप प्लस कीजिए, 3 पावर 1 क्या होता है, 3 होता है, तो आपका बनेगा 1 प्लस 3, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 5 पावर 1, तो आप इसमें क्या करेंगे, 5 पावर 0 लिखेंगे और फिर 5 पावर 1 लिखेंगे। 5 पावर 0 क्या बनता है, 1 बनता है, और 5 पावर 1 क्या बनता है, 5 बनता है। तो सबसे पहले आपने 60 के फैक्टर्स बना लिए, फिर उनको एक एक करके लिया, और हर फैक्टर को 0 से शुरू करना है। 2 पावर 0 से शुरू करते हुए मैक्सिमम लिमिट 2 पावर 2 तक आई। 3 को लिया, 3 पावर 0 से शुरू करते हुए मैक्सिमम लिमिट 3 पावर 1 की आई, क्योंकि 3 पावर 1 ही हमारे वहां पर निकाला गया था, यहाँ 3 पावर 1 है ना। उसी तरह से 5 पावर 0 लीजिए, फिर 5 पावर 1 लीजिए। इन सब को आपस में आपने प्लस करना है, 1 प्लस 2 प्लस 4, यहां पर आपने हर चीज को प्लस कर दिया। फिर 3 वाली को भी आपस में प्लस कर दिया, और इधर 5 वाली को भी आपने आपस में प्लस करके इन सब का प्रोडक्ट निकालना है, इन सब को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां आपका आया, देखिए आपका यहां पर ये फर्स्ट वाले सेगमेंट का आपका आंसर कितना आया, 1 प्लस 2 प्लस 4, है ना। ये 1 प्लस 2 प्लस 4 गया आपका यहां पर 7, ये 1 प्लस 3 आपका गया यहां पर 4, और 1 प्लस 5 आपका गया 6। तो 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 168। तो आप करके देख लीजिए, 60 के फैक्टर्स बनाइए, उनका टोटल कीजिए, आंसर आएगा 168। एक और उदाहरण लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100। पहले आपने 100 के फैक्टर्स बना लिए, 100 इज इक्वल टू 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 2। तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, सबसे पहले है 2 पावर 2, तो हम 2 वाला लेंगे, 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2, तो 2 पावर 0 बना 1, 2 पावर 1 बना 2, 2 पावर 2 बना 4, हो गया, मल्टीप्लाइड बाय, अगला क्या आया आपके पास, 5 पावर 2, इसको क्या करोगे, 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2, तो 5 पावर 0 होता है 1, 5 पावर 1 होता है 5, और 5 पावर 2 होता है 25, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 आपका बना 7, 1 प्लस 5 प्लस 25 आपका बना 31, सो योर आंसर विल बी 7 मल्टीप्लाइड बाय 31, 217। तो इस तरह से आपके पास जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, आप सम ऑफ फैक्टर्स जो है वो निकाल सकते हैं। हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप पहले इन दोनों जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, इन दोनों को ही अपने हाथ से सॉल्व कीजिए, और अगले दिन फिर इन दोनों को ही सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप बड़े नंबर्स को ट्राई कीजिए। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।